इस लेजर को दीवार पे पॉइंट करें तो एक डॉट दिखता है, इसी लेजर को जमीन पे पॉइंट करें तो भी एक डॉट दिखता है, पर वहीं ये टेस्ट ट्यूब अगर इसके सामने ले आए तो जमीन पे एक लाइन दिखती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब वर्टिकल डायरेक्शन में लेजर बीम को कन्वर्ज कर देती है। ये कन्वर्जन सिर्फ फोकल लेंथ तक होता है, फोकल लेंथ के बाद ये बीम डाइवर्ज होने लग जाती है, मतलब फोकल लेंथ तक बीम का स्पॉट शार्प और ब्राइट होता रहेगा, लेकिन उसके बाद ये स्पॉट से लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जितनी फोकल लेंथ से दूरी उतनी ही लंबी लाइन। यही डाइवर्जिंग बीम जमीन से टकरा के स्कैटर होके ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचती है और ऑब्जर्वर को एक लाइन जैसी दिखती है। इस ट्रिक को यूज करके हम लाइट के पाथ को ट्रेस कर सकते हैं और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे कई लाइट के फिनोमेना को और अच्छे से समझ सकते हैं। पर सवाल यह है कि हमने इस ट्रिक के लिए एक टेस्ट ट्यूब ही क्यों यूज करी, क्या हम कोई और कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस यूज नहीं कर सकते थे?